शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो इलाका है इसका नाम हसन आबाद है। जब कभी भी तेज़ बारिश होती है तो यहाँ हर हमेशा सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। कई बार इंतज़ामिया को हमने कहा था कि इसकी जो ड्रेनेज है इसको आप ठीक कीजिए। इसके साथ साथ काफ़ी अफराद ऐसे भी है जिन्होंने ड्रेन को एनक्रोच करके रखा है। जब कभी भी तेज़ बारिश होती है आप देखेंगे जहाँ ड्रेन एनक्रोच हो चुकी है वहीं पर पानी जो है ऊपर सतह पर आके सैलाबी सूरत हाल पैदा करता है। डिपार्टमेंट को भी हमने काफ़ी बार कहा कि ये एनक्रोचमेंट आप जिन लोगों ने जिन अफराद ने एनक्रोच किया है ड्रेन को इसको आप हटा दें। इसके साथ साथ ये जो ड्रेन है इसको नए सिरे से बना के ये जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है इसको किसी हद तक काबू किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक जो है इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई। अभी इंतज़ामिया के कुछ ऑफिशल्स यहाँ पर आए हैं AEPMGSY इनके साथ साथ नायब तहसीलदार, लेकिन इंतज़ामिया तब पहुँचती है जब सैलाब सर से ऊपर हो चुका होता है। लेकिन जब आम दिनों में उनसे लोग पुकारते रहते हैं कि इन चीज़ों को आप ठीक कीजिए तब वो टस से मस नहीं होती और आप देखेंगे कि फिर जानी और माली दोनों तरह का नुकसान पैदा होता है। मेरी आला इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि आज 15 अगस्त के मौके पे जबकि बड़ा दिन पूरे मुल्क में मनाया जाता है तो इसके बावजूद आप देखेंगे इस पूरी कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो कैमरा को घुमा दे। आप देखें पूरी बस्ती जो है सड़कों पे है। वजह यही है कि ड्रेनेज ब्लॉक हो चुकी है, लोगों ने एनक्रोच करके रखा है। डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि एक तो ये एनक्रोचमेंट हटा दे और इस ड्रेन को नए से बनाकर ठीक किया जाए ताकि ये शराबी सूरत हाल जो है इसको रोका जा सके।